My name is Mrs. Sonika. Today, I would like to speak on failure students who are not winning any prizes. Some students do hard work. When they don't be successful, then they become mentally upset. In our school and colleges, teachers used to give prizes to the winners students, but they forget to those students who are not winner. Actually, I want to say only this, that teachers must pay attention to those students who are not winning any prizes. If teacher will ignore to those students who is failure, then they become mentally upset, they become frustrated. Teachers should teach students how to overcome from failures, from difficulties, and accept of it. Teachers must extra pay attention to the failure student so that they can go ahead from his failures. In our school and colleges, there is nothing is being taught about how to be mentally fit, how to take care of your emotions, how to handle your frustrations, depressions, anxieties, rejections, failures, etc. I don't know why, but they should take it, because physics, chemistry, math is important, but before that, what is important? Your thought process. As you have seen, many people commit suicide the day of result of declared. Many going to depressions. Actually, I want to say only this, that शिक्षक सफल विद्यार्थियों को तो पुरस्कृत कर देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने यह सोचा है कि केवल सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना और असफल को पुरस्कृत न करने से वह अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, क्या वह सफल हो जाता है? शिक्षक क्या कभी यह सोचे हैं कि असफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत न करने से उनके मन में क्या भावना आती है? क्या वह अपने आप को पुनः आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर पाते हैं, या वह यह मान लेते हैं कि मेरे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है ही नहीं, और वह पीछे चलते चले जाते हैं? क्या विद्यार्थियों में इतनी समझ होती है कि वह अपने आप को मोटिवेट कर पाए? शिक्षक को असफल विद्यार्थियों के पीछे हुए कारण का पता लगाना चाहिए कि वह किन वजहों से असफल हुए हैं, तथा उनका निवारण करना चाहिए. Actually, it's a duty of teachers and guardians that they try to know what's the reason behind the failure student. It may be many reasons behind the failure students. It may be the uncareless of parents. Some parents don't care of his children in his study. They depend only school or coaching. If parents will not care, will not be serious in the study of his children, of their children, then they become unsuccessful. Then their children will not be successful. So I want to say only this, that कि विद्यार्थी के पेरेंट्स को
अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनको सिर्फ स्कूल या कोचिंग पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक विद्यार्थी के माता पिता अपने बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, तब तक उनका बच्चा उचित रूप से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अतः यह प्रत्येक पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का उचित रूप से ध्यान दें, जिससे वह सफल हो सके। नेक्स्ट इट में बी इलनेस। सम स्टूडेंट्स हैव सम इलनेस काज ऑफ दैट रीजन दे कांट बी सक्सेसफुल इन स्टडी। सो इट्स ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स दैट दे ट्राई टू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ हिज चिल्ड्रन ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स दैट दे केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन ऑफ देयर चिल्ड्रन सीरियसली। सो इफ पेरेंट्स विल बी सीरियस टूअर्ड्स देयर चिल्ड्रन्स स्टडी देन देयर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल। कुछ विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, जिसके वजह से उनका मन अध्ययन में पूरी तरीके से नहीं लग पाता है, जिससे अतः प्रत्येक पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे के प्रति सीरियस बने तथा वो उनका पूरा ध्यान दे, जिससे वह सफल हो सके। नेक्स्ट इट मे बी नॉट मच स्ट्रॉन्ग द बेस लेवल। आई मीन टू से दैट कुछ विद्यार्थियों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वह अपने क्लास के लेवल पर दिए गए अध्ययन को वो नहीं समझ पाते हैं। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी के बेस लेवल को मजबूत करे, जिसके वजह से वह सफल हो सके। आई वॉन्ट टू से ओनली दिस दैट वेन टीचर्स एंड पेरेंट्स विल बी सीरियस टूवर्ड्स स्टूडेंट्स स्टडी देन they will be successful. With this, I am giving here full stop to my hard words. Thank you. That's it.